देखिए, जो हर साल विधिवत पूजन होता है, 9 दिन नवरात्रा, जो शारदीय नवरात्रा जो होते हैं इस सीज़न में, तो उनको लेके कार्यक्रम होते हैं, माता की झांकी निकलती है। इस साल आप सब जानते हैं कि ये विश्व स्तर पे, दुनिया भर में जो ये एक त्रासदी है, एक पेंडेमिक जो महामारी है, उसका फैलाव हर जगह पे, और कोई भी, आज मैं समझ सकता हूँ, कोई स्टेट बोले, यूटी हो या कोई मुल्क हो, बचा हुआ कोई ऐसा नहीं है। हम भी काफ़ी समय से जूझ रहे हैं इस चीज़ से, और माता रानी की कृपा से आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं तो इसको भी बहुत बड़ा सुखद अनुभव मानता हूँ, क्योंकि बहुत देर पहले तो ये भी सोच आता, जो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, क्या धीरे धीरे पटरी पे उनको कहीं आए, कहीं ना कहीं पटरी पर आ देखिए, कटरा टाउन ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हुई है इस महामारी से। तो मैं समझता हूँ कि जितना अनलॉकी हमारी मुल्क में व्यापार को, लोगों की रोजी रोटी करने के लिए, एक तरफ तो डिजीज़ कंट्रोल और दूसरा लोगों को दुश्वारी भी ना हो, मुझे लगता है वो बड़ा बैलेंस करके किया गया है। और जी हमारे इस टाउन में और हमारी जम्मू कश्मीर में भी उसी स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, और जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँ स्केल पे आ गया, लेकिन ढाबा खुलेंगे, रेस्तरां खुलेंगे, जैसे डीसी ने आपको बताया कि आप और इन फैसिलिटीज़ को खोलें ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, और दूसरा होटल्स जो हैं उन लोगों में भी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। लेकिन धीरे 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 ये चीज़ें होंगी, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को देखना है, स्वास्थ्य भी और लोगों का स्वास्थ्य भी, और अपना भी रोज़गार, क्योंकि अगर वो ठीक तरह से चलेगा तो स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज़ें ठीक तरह से चलेंगी। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों का, माता का आशीर्वाद से, वो चीज़ों की तरफ अग्रसर हैं।